चीन और पाकिस्तान सदैव भारत माता को खंडित करने का दुष्प्रयास करते रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना सदैव मुंहतोड़ जवाब देती रही है और उन दुष्टों के करतूतों को और उन्हें उचित दंड देते हुए हमेशा भारत माता की जय बोलती रही है। हमारी लेखनी भी आक्रोशित होती है। ऐसा नहीं है कि हम शांति नहीं चाहते, भारत से ज्यादा शांति चाहने वाला कोई राष्ट्र विश्व में है ही नहीं। हम सदैव चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन कब तक? सुनिएगा लेखनी का आक्रोश। खुशियां मिले या पार आती रहे बार बार, देश शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे, धर्म शिष्टाचार का प्रचार करते रहेंगे, प्रेम के जला के दीप प्रेम गीत गाएंगे, देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, पार्थ बन शत्रुओं के दल को मिटाएंगे, भारत की आन बान शान के लिए सदैव शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे। और हमारे वीरों ने ऐसा ही करके दिखाया, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे कश्मीर की घाटियां ही क्यों न हो, कि चंदन सीमाटिनी जिस इस पे सजा के हम राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प दोहराएंगे, चक्षुओं में देखते ही अग्नि का प्रचंड ताप, शत्रु दल लाख के समान जल जाएंगे, एक बाण से ही प्राण हरे दुष्ट दानवों की, वीर वृत्तियों के आगे कौन टिक पाएंगे, निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज, चीन पाक दोनों एक साथ मारे जाएंगे, चीन पाक दोनों एक साथ मारे जाएंगे। तो कायरों की भांति छिप कर करता प्रहार, सन्मुख हुए तो तेरे होश उड़ जाएंगे, हत्या करवाते जिन दीनहीन मानवों की, वही अभिशाप तेरा नाश करवाएंगे, बार बार खाया मार युद्ध भी गए हो हार, संभले नहीं समूल वंश मिट जाएंगे, बेटे चाहे जितने महान क्यों न बन जाएं, बाप के समक्ष नित शीश ही झुकाएंगे, बाप के समक्ष नित शीश ही झुकाएंगे। भारत माता की जय।